के अवसर पर अमरवीर सहित सिद्धो कान्हो की पवित्र भूमि भोगनाडी बरहेट साहेबगंज में आयोजित समारोह में योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास एवं लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण करते हुए मुख्यमंत्री श्री चंपाई सोरेन एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन हम लोगों का एक बार मेरे साथ बोलेंगे जोहार 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 अपने प्राणों की आहुति दी थी, इस श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लाने का हम भरपूर प्रयास करेंगे। अंत में हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। जय झारखंड, जय जोहार। वोट का बटन दबाकर इन योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर सबकी तरफ से विकास की एक नई बयार बहने को तैयार है। ये शिलापट्ट का अनावरण शिलापट्ट लगे हुए हैं योजनाओं की विवरणी। सरकार आपके द्वार से गांव गांव पंचायत पंचायत आपके घर में सरकार पहुंचकर आपके तकलीफों को सुनने समझने का काम किया। कभी गांव में कभी कोई सरकार जाता था, कभी नहीं। लेकिन अब हमने पहले भी कहा था हम लोगों की सरकार बनेगी, ये सरकार हेडक्वार्टर से नहीं, ये सरकार गांव से चलेगी। इसी धरती से हुल और क्रांति का सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो जानो आरोह हजार हजार सुन लाखों के संख्या में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का खिलाफ में उनका गुलाम का जंजीर को तोड़ने के लिए तीर का नोक से वो लोग चैलेंज कर दिया था। लंबा लड़ाई लड़ा, इस जमीन अपना परंपरा अपना भाषा सांस्कृतिक इस जमीन में जो जमीन को खेत खलियान हमारा पूर्वजों ने बनाया उसको बचाने के लिए है तीर का नोक पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद को वो तीर का नोक से जवाब दिया था। हमारा पूर्वज ने कभी किसी से गुलाम नहीं स्वीकार किया, ये इतिहास है। इसलिए आज का दिन पूरा भारत वर्ष में पूरा झारखंड में हर प्रदेश में आज सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो जानो का उनका श्रद्धांजलि करके उनका प्रेरणा लेने का दिन है और संकल्प लेने का दिन है। इसलिए आज इसी धरती में आज इस गांव भोगनाडी में ही जन्म लिया था
जो पूरा जंगल झाड़ का बीच से ही आए, शोषक का विरोध में अपना हुल और क्रांति का शुरुआत किया कि मेरा जमीन में, मेरा खेत खलियान में किसी का अधिकार नहीं होने देंगे। ये अपने से हमने खेत बनाया, अपना परंपरा है, अपना भाषा सांस्कृतिक है, अपना मातृभाषा है, हम किसी का स्वीकार नहीं करेंगे। ये जमीन हम आबादी किया है, गांव बसाया है, इसके लिए हम इसका हुक्म किसी का चलने नहीं देंगे। ये भी योजना अगले महीने से हम लोग शुरू करने जा रहा है। 21 साल से 50 साल के जितना ही महिला है, बहन बेटी मई को योजना हम लोग लाने जा रहा है, सबको पेंशन दिया जाएगा और संपन्न के उनको सहयोग दिया जाएगा ताकि अपना परिवार को अपना सुरक्षा से चला सके, इसलिए सहयोग दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में भी हम लोग 15 लाख तक हम लोग मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना आप लोग को हम लोग सहायता अगले महीने से कर, हम लोग जानते हैं ये शरीर और पंचायत एरिया से शहर तक जैसा हर तरह का स्वास्थ्य सुविधा लिए भी ये सरकार की सोच है। बहुत जल्दी आप लोग के बीच में अभियान के रूप में आप लोग के सामने वो काम को करेंगे की कृपा की जाए। सभी अतिथि गणों से निवेदन, इसमें इस परिसंपत्ति विधा 20,000 रूपए की स्वीकृत राशि का ये चेक आपको आंगनबाड़ी सेविका का को नियुक्ति पत्र, सेविका निकिता गुप्ता नियुक्ति पत्र इस समय प्रदान किया जा रहा है। अब वह आवास योजना के लाभुक हैं चांद मुर्मू, हैं पवन रविदास सर्वजन पेंशन योजना के लाभुक हैं राजा हाजदा, लाभुक हैं इस योजना के लाभुक हैं लक्ष्मी देवी, साहेबगंज में एक नई पहल है मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के लाभुक, जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से